हेलो फ्रेंड, बेसिक टेक हिंदी में आपका स्वागत है और मैं अतुल कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में एक अहूजा का एक मिक्सर है जिसके बारे में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। हालांकि मैंने इसका एक वीडियो बना के रखा हुआ है और जो लोग बिगनर हैं या डीजे के मामले में नए लोग हैं उनको ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मैं आपको इसमें पूरी फुल जानकारी दूंगा अहूजे के मिक्सर के बारे में, और जिन लोगों के पास छोटा सा सेटअप है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें ये अहूजे का जो मिक्सर मैं आप बताने वाला हूँ वो आप नए लोगों के लिए है, और जिनके पास छोटा सा सेटअप है जो लोग अभी नए हैं इस फील्ड में तो ये मिक्सर उनके लिए सबसे बेस्ट है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, जिससे आप उससे कुछ भी जानकारी छोड़ सके। अगर आप नए हों तो मेरे पास एक अहूजा का मिक्सर है जिसका नाम है अहूजा MEX60PA मिक्सर, और ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है और जो लोग नए हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मिक्सर साबित होने वाला है। और जो लोग छोटा सेटअप से बड़ा सेटअप करना चाहते हैं तो वो लोग बिगनर हैं, वो लोगों के लिए ये मिक्सर बहुत ही काम में आने वाला है। तो मैं आपको इसमें पूरी सेटिंग्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि मिक्सर चलने में कैसा है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका प्राइस और ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस मिक्सर के बारे में पूरी फुल वीडियो ट्यूटोरियल में चाहिए या आपको इसकी नॉलेज चाहिए तो मैंने बता दूं कि मैंने पहले ही इसका एक वीडियो बना के रखा हुआ है प्रॉपर डिटेल में, उसका लिंक मैं अपने आई बटन पर दे दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको सबसे अब मैं तो सलाह कर दूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। आपके पास दो ऐसी केबल्स होनी चाहिए, एक तो है हमारी इस तरीके से होने वाली है दोनों सेम, और एक हमारी इस तरीके से मोटी और एक हमारी मोबाइल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलिए सबसे पहले मोबाइल की लगा लेते हैं लीड। और मैं आपको बता दूं मैंने इसका ट्यूटोरियल में जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बारीकी से सब कुछ समझाया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ दो ही मशीनें आप लगा सकते हैं, और सबसे पहले अगर आपको लगाना आए तो ये हमारी मोबाइल वाली जो लीड है उसको आप इस सारे इनमें जो हमारे 6 चैनल हैं इनमें से किसी पर भी आप लगा सकते हैं। तो मैं चलिए इस 5 नंबर पर लगा लेता हूँ और इसको हम कर देते हैं फ्री। अब ये हमारा फ्री हो गया, ये मोबाइल के लिए है। अब दूसरा जो पिन है उसको हम लगाएंगे इस वाले पिन में जो मिक्सर का आउट है, और आउट के बाद अब चलिए इसके एम्पलीफायर के पीछे लगाते हैं और देखते हैं इसकी आवाज़ हमको कैसी मिलती है। और ये हमारी दूसरी लीड है उसको हम लगाएंगे एम्पलीफायर के इन में, और ये हमारा जो सेटअप है वो रेडी है। अगर आपके पास कोई और दूसरी एम्पलीफायर है तो आप यहाँ से लेफ्ट राइट जो लिखा हुआ है आउट में एक एम्पलीफायर और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपने स्पीकर को जोड़ लेते हैं। तो मैंने अपने स्पीकरों को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया है प्लस प्लस और माइनस माइनस को। हालांकि जो हमारे स्पीकर हैं वो एक स्पीकर 4 ओम्स का है, तो हमने अगर सीरीज पैरेलल में इसको लगाया है तो ये हमारे 2 ओम्स के हो गई। तो मैं यहाँ पर 2 ओम्स पर इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने स्पीकरों को भी कनेक्ट कर लिया है बहुत ही आसानी से, तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ कि किस तरीके से हमको लगाना है। देखिए हालांकि मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ कि जो हमारी ये लाइन की जो है आप इसमें जो मिक्सर का इन है उसमें आप इसकी मोबाइल वाली लीड को लगाएंगे इस तरीके से आपको दिखने वाली है, और जो दूसरी है जो मिक्सर का आउट है आउटपुट उस पर आप लगाएंगे मिक्सर की लीड। मैंने अपने एम्पलीफायर के इन में लगा दिया और अपने स्पीकर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जो कि 2 ओम्स पर काम करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर आवाज़ सुना के बताऊँगा कि हमको क्या यहाँ पर डिफरेंस मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए दोस्तों हम अपने एम्पलीफायर को करते हैं स्टार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो एम्पलीफायर है स्टार्ट है, और साथ में आप पंखे की आवाज़ को सुन सकते हैं। और यहाँ पर हम चलिए मिक्सर को भी ऑन करते हैं, और मिक्सर भी हमारा ऑन हो चुका है, देखिए उसमें लाइट आ चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल को प्लग इन करेंगे और फिर हम देखते हैं इसकी आवाज़ में डिफरेंट।
तो मैंने यहाँ पर अपने एम्पलीफायर की जो वॉल्यूम है उसको मैंने 5 पे रखा हुआ है, बेस को मैंने यहाँ पर 0 पर, मिड को 0 पर, और जो ट्रिबल है उसको मैंने 4 पे रखा हुआ है। अब साथ में चलिए हम गाने को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो मास्टर वॉल्यूम है उसको हम करेंगे इतना, फिर जो हमारी जो कई नंबर चैनल पर लगाया हुआ है मैंने 5 नंबर चैनल पर, फिर हम 5 नंबर की पहले लेवल को ऑन करेंगे, फिर इसकी जो गेन होती है उसको ऑन करेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं आवाज़ इसमें आप इसकी कुछ सुन सकते हैं, आप इसकी खुद आवाज़ सुन सकते हैं, ये देखिए इसकी आवाज़ बढ़ा के आप सुन सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम चलिए बेस को सबसे पहले बढ़ाते हैं, आप बेस देख लीजिए। फिर हम इसके ट्रेबल को बढ़ाएंगे, फिर आप इसको यहाँ पर इसको एक तरीके से सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप नीचे से वॉल्यूम से अपने आप को आवाज़ बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, अपनी मशीन को बार बार छेड़ना नहीं पड़ेगा। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनको पता होगा कि ये मेरा खुद का सेटअप है, और मैं आप लोगों को इसी से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरीके से आगे ग्रो कर सकें। तो चलिए एक बार फिर सुन लेते हैं कि इसकी आवाज़ हमको किस तरीके से लगी। देखिए आप यहाँ पर अच्छी तरीके से बेस को देख सकते हैं, देखिए अब चलिए अब हम मिक्सर को नहीं लगाते हैं, अब एम्पलीफायर को ओनली लगाते हैं, फिर आप इसकी आवाज़ को देखना। चलिए अब हम मोबाइल वाली जो लीड है उसको हम निकालते हैं और लगाते हैं अपनी इस मिक्सर में, डायरेक्ट बजाकर दिखाते हैं। इस मिक्सर से मैंने एक्सपीरियंस किया कि इसमें बहुत ही अच्छी बेस निकलती है मिक्सर को यूज करने से, और बहुत ही अच्छे हमारे कॉलम बजते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर अभी मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।